बहुत मज़ा आया मराठ बस्ती में आके, इतनी रॉकिंग ऑडियंस और कॉन्सेप्ट असलम शेख जी का और यहाँ के जितने हेल्पर्स हैं बहुत ही अच्छा जमाया सबने और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। ऑडियंस ही अच्छी होती है तो एक एनर्जी ऐसे ही आ जाती है, और मुंबई की ऑडियंस और मलाड की ऑडियंस का तो जवाब ही नहीं। ममता ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, आप लोगों ने देखा होगा, और ये एक बहुत ही कॉज अच्छा है माल न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के लिए, जो कि असलम शेख जी हमारे यहाँ के MLA जो हैं जिस पर बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं और ममता हमेशा उनके साथ हैं, कोई अच्छा कॉज होगा तो, जैसे कि ये अच्छा कॉज है, और बहुत ही मज़ा आया जी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पहली बात तो ये सुनकर जब मुझे ललित सर ने बताया कि भाई ये इतने अच्छे कॉज के लिए ये फंक्शन हो रहा है, माल न्यूट्रिशन से जो प्रभावित पीड़ित बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये मलाड मस्ती प्रोग्राम रखा जाता है, तो वो सुन के ही दिल इतना अच्छा हुआ कि किसी अच्छे कॉज से हम जुड़ रहे हैं। सेकेंड चीज़, असलम जी ने जो ये इनिशिएटिव उठाया, इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, हम लोग इतना बिजी रहते हैं, सर कितना बिजी रहते होंगे असलम जी, तो 60,000 क्राउड, सी सो मतलब इट्स अमेजिंग कि मतलब इतना बिजी होने के बावजूद वो दूसरों के बारे में सोचते हैं और इतना अच्छा सोचते हैं कि आर्टिस्ट और लोगों को ज्वाइन करके इतना अच्छा मैसेज सब लोगों तक पहुंचाए, तो ये इनिशिएटिव असलम जी का बहुत ही काबिल तारीफ है। लगता है ऐसे ही जैसे हमारे असलम शेख जी हैं, ऐसे ही लोग हमारे गवर्नमेंट में आना चाहिए जो कि मेहनत करें लोगों के लिए और उनका उनके लिए काम करें, उनके भले के लिए काम करें, ऐसा सब लोग नहीं करते। जैसा be performing with my dad and this is my first song ever, so I've seen the crowd reaction, I'm very confident now and thankful to everybody. They are future rock stars, they are such, mein wo itna mild ya lag rahe hain stage pe, aapne dekha hoga kitne wild hai wo log, so they are really cool. Kya ye mana jayega maran masti ka jo platform hai ab ek rock star jaisa platform bane? बिल्कुल, ऑफकोर्स लोग आके यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, लोगों से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है यहाँ आके, आर्टिस्टों के लिए भी अच्छा है और ऑडियंस के लिए भी अच्छा है क्योंकि कोई टिकट्स नहीं है। थैंक यू, ऑलराइट, सो बेसिकली इट्स अ ग्रेट थिंग टू बी हियर एट मलाड मस्ती फॉर मी पर्टिकुलरली बिकॉज आई एम अ मलाड का मुंडा एंड आई लिव सो क्लोज बाय दैट एवरी संडे आई लिसन टू द शो and early in the morning and I wonder that Saturday night ke baad itna zyada shor kaun macha raha hai and I've never been here but this is the first time and I'm amazed itni tadad mein itne sare log ek saath dekhkar in the back rows of Malad I think it is another level Malad has really evolved and this is a great opportunity for everybody to come together I believe there are more than 50,000 people on the streets of Malad right now just the back street of Malad right now at Malad Mast Yes, so you know, first I would really like to congratulate the organizers, to Aslam Bhai for you know, I mean, it's an amazing event, and hats off to him for organizing it. I can see the crowd; they are so excited to be here. And subah subah aaye sab, you know, they had to wake up early and come here. But the sheer excitement that I saw. I like first thing for me in the morning they made me so happy so I'm delighted to be here and you know the cause the malnutrition it's time we all have to do something for other people and we have to take up a cause each one of us should take up a cause and do something you know through talent and you know basically so and I'd like to add one more thing talking about malnutrition I think in a place like Mumbai or in any metro city what we really suffer the youth or the kids suffer from malnutrition and particularly vitamin D I think this is a great time to come and meet the sun early in the morning and have some vitamin D in your body how about that that's lovely yeah thank you so much, all the best की जनता एक आम जनता जो इनको फेस टू फेस देख नहीं पाती खाली अवार्ड्स में देखती हैं तो ऐसे कलाकारों से रिक्वेस्ट करके हम इनको ला रहे हैं यहाँ पे और मलाड मस्ती जो हमने पहले साल 25,000 शुरू की थी आज 70-80,000 तक का क्राउड पहुँच चुका है तो बस यही एक कॉन्सेप्ट था कि पूरे जो हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के जो लोग हैं इन तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनको सामने देख सकें उनको फील कर सकें मैं क्योंकि मैं अहमदाबाद से आ रहा हूं तो मुझे लग रहा था मैं सारी रात एक मिनट भी नहीं सोया था सुबह सुबह की फ़्लाइट थी लेट हो गई तो मुझे लग रहा था कि आवाज़ निकलनी नहीं पर एकदम जब क्राउड को देखा एकदम उनका उत्साह जो देखा मतलब अप्रिसिएशन देखी तो आपने देखा ही फिर मज़ा आ रहा था मतलब मेरा वो उसमें कुछ नहीं होता हमारी गुरबानी में कहते हैं कि जो कि 613 मेरा मुझमें कुछ नहीं क्योंकि 613 मगर मैं असलम भाजी आपको एक बात बोलना चाहता हूँ जैसे आप एक्टिविटीज़ चला रहे हो ना हम आपको किडनेप करके ना पंजाब में ले जाएंगे
क्योंकि ऐसे लोगों की पंजाब में बहुत ज़रूरत है जो यूथ को एक नई डायरेक्शन दे सके, यूथ को एक्चुअली बिजी कर सके कि वो नशे ना करें। और ये देखा आपने कि अगर कोई नशा करे तो इतना टाइम नाच ही ना पाए, मतलब पौना घंटा कैसे पागलों की तरह नाच रहे थे और पूरी मस्ती कर रहे थे। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है उनको भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे हमें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो मैं असलम शेख जी का और पूरी मलाड मस्ती ऑर्गेनाइजेशन टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मैंने दिया, जो क्राउड यहाँ पे था इतना अच्छा था कि परफॉर्म करके मुझे बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ का क्राउड इतना एंथू था कि भले मैंने 15 मिनट परफॉर्म किया लेकिन इट वॉज़ अमेजिंग एंड बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू। 50,000 लोगों का क्राउड है, मैल्यूट्रिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? सॉरी, आई डिडंट। जिस कॉज के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा ये इवेंट होता है, बहुत ही अच्छा कॉज है। और मैं चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट यहाँ पे आए और इस कॉज को सपोर्ट करें, हमारे असलम जी को सपोर्ट करें, मलाड मस्ती को सपोर्ट करें।